स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो ये पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलके कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलके राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को, मेरे को पता है। आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने? उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने? कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां देके आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। देखो जी, नीयत अगर साफ हो, काम करने का मन हो, तो आदमी टाइम थोड़ी देखता है। 5 साल से गहलोत साहब ने कोई काम नहीं करा, अब अभी इन्होंने झुंझुने देने चालू करे। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं बनी राजस्थान में, हमने तो आपके लिए काम करना भी शुरू कर दिया। भगवंत मान साहब अभी अभी कह के गए हैं यहां पे जो पानी आता है बुड्ढा नाला का पानी गंदा आता है,
उसके पहले पंजाब में कितनी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, अकाली दल की भी, बीजेपी की भी सरकार रही, किसी ने आपकी नहीं सुनी। हमारी अभी सरकार भी नहीं बनी, हमने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। अभी अभी ऐलान करके गए हैं, बुड्ढा नाला पे काम शुरू हो गया, 600 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, अगले 6 महीने के अंदर आपको यहां पे साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। इन्होंने, दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई? पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई? तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है? अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इनसे एक पेपर नहीं होते, पेपर लीक कर दिए इन लोगों ने। बता रहे जब से गहलोत साहब बने हैं 14 पेपर लीक हो चुके, 14 पेपर, और पिछले 10 साल में 26 पेपर लीक हो चुके। और पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एक एक पेपर बिकता है। ये पेपर बिकता नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। ऐसा क्यों है दिल्ली में? अभी तक दिल्ली में हमारी 8 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, 8 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 1.5 साल हो गए, पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ करते थे, 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में पेपर लीक क्यों होते हैं? पैसा ऊपर तक जाता है, पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं दोस्तों। आज राजस्थान के ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। कहां गया सारा पैसा? आपसे पूछना चाहता हूं, कोई काम करा इन्होंने? कोई काम नहीं करा, कोई स्कूल नहीं बनवाया, कोई सड़क नहीं, सारा पैसा खा गए। 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया राजस्थान पे।